अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन? मैं अनुज। ओ बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? बढ़िया। अंकल जी आशीष कहाँ है? आशीष शायद छत पे होगा। ठीक है अंकल जी। और आशीष कैसा है? ठीक ही हूँ यार। क्यों, क्या हो गया? ऐसा लग रहा है तो कई दिनों से सोया नहीं है। हाँ यार तू तो ठीक कह रहा है, मैं कई दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक तो है? यार तुझे पता है मेरी अपनी केमिकल की फैक्ट्री थी और साथ में लकड़ी का टाल भी है। हाँ वो तो बहुत बढ़िया चल रहा था। चल तो सब ठीक रहा था, लेकिन जब से कोरोना की महामारी आई है तब से मेरा ही नहीं लाखों लोगों का काम धंधा बंद हो गया, कई लोग बेरोजगार हो गए। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री का बंद होना मुझे ठीक लगा। अरे कैसा दोस्त है तू, एक तो मेरा काम धंधा बंद हो गया और तू कह रहा मुझे ठीक लगा। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ, इसमें कितनों का नुकसान होता है पता है तुझे? वो कैसे? देख तेरी केमिकल फैक्ट्री का गंदा पानी कहाँ जा रहा है? नाले में। और नाले का पानी? वो नदी में। और नदी का पानी ही सारे घरों में पीने के लिए जाता है। तो उससे क्या? देख जो तेरी केमिकल फैक्ट्री का गंदा पानी नदी तक जाता है वही पानी लोगों के घरों तक पहुँचता है, फिर लोग उस पानी को पीते हैं, उस पानी को पीकर लोगों में कई प्रकार की जानलेवा बीमारी हो जाती है जिसका अंजाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। और जो तेरा लकड़ी का टाल है उसमें जो लकड़ियाँ तू इकट्ठा कर रहा है उससे सारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, उससे पूरी प्रकृति को नुकसान हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है और बारिश नहीं हो रही है, जंगली जानवरों का बसेरा समाप्त हो रहा है और वो शहरों की ओर आ रहे हैं। हाँ वो तो है, कह तो तू ठीक ही रहा है। चलो कम से कम तूने माना तो सही, इस कोरोना ने इतना तो सिखा दिया दूसरों का नुकसान करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। UK Music India present. Hi friends, subscribe करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन।